नमस्कार दोस्तों, टीम इंडिया के लिए और खास तौर से वरुण चक्रवर्ती के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ऐसा लग रहा है कि 5 महीने में दोबारा ऐसा हो सकता है कि वो टीम इंडिया के लिए खेलते खेलते रह गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी उनका चयन हो गया था, लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो चोटिल हो गए और टीम में आकर भी नाम आने के बाद वापस रह गए। उसके बाद फिर एनसीए में उन्होंने रिहैब किया और अब खबर सामने आ रही है कि एक और बार वो टीम इंडिया में आते आते मैच खेलते खेलते रह जाएंगे। क्योंकि अब जो दूसरी वजह सामने आई है वो ये है कि अंदर के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि वरुण चक्रवर्ती जो है टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए जो फिटनेस बेंचमार्क बनाए गए हैं उसको पास करने में नाकाम रहे हैं। इसमें 8.5 मिनट में 2 किलोमीटर की दौड़ है शामिल और साथ ही साथ यूयो टेस्ट में 17.1 का मिनिमम स्कोर है शामिल। ये दोनों ही पास करने में वरुण चक्रवर्ती नाकाम रहे हैं, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और इस वजह से हो सकता है कि उनको टीम में शामिल करके भी मैच ना खिलाया जाए और उनको कहा जाए कि आप पहले ये फिटनेस टेस्ट जो है वो उसको पास कीजिए, बेंचमार्क जो है उसको पास कीजिए। क्योंकि ये बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है और ये तय कर दिया है कि जो भी खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खेलना चाहेगा या फिर खेल सकता है वो पहले इस फिटनेस बेंचमार्क को उससे पास करना होगा, यही शर्त लगा दी गई है। और वरुण चक्रवर्ती अभी फिलहाल इसे पास करने में नाकाम रहे हैं, तो ये फिटनेस इशू है, इसको लेकर वो हो सकता है कि मैच ना खेल पाए और फिर उनसे कह दिया जाए कि आप तैयारी कीजिए, एक बार जब आप इस फिटनेस बेंचमार्क को पास कर लेंगे फिर हम आपको दोबारा से टीम में ले लेंगे, मैच खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन वो दूसरा मैटर था, वो चोट की वजह से वो नहीं खेल पाए थे मैच और टीम में नाम आने के बाद भी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए थे क्योंकि चोटिल हो गए थे। देखते हैं आगे क्या होता है, इस बारे में कोई अपडेट आएगी तुरंत आपको बताएंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में राय जरूर दीजिएगा कमेंट करके, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।